हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं मैक के बारे में। तो मैंने एक फ्लिपकार्ट से पार्सल ऑर्डर किया था, जो मेरा पार्सल आ चुका है वो है बोया का M1 मैक। चलिए आप लोग को दिखलाते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं। ये रहा मेरा मैक बोया बाई M1 मैक। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं इसके अंदर कैसा है मैक। ये मुझे इसके साथ एक बुक मिल जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सब चीज बताया गया है कैसे कैसे इसको सेट करना है मैक को। और एक ये गारंटी कार्ड, और ये मैक रखने का थैला। चलिए इसमें से निकालते हैं मैक को। ये रहा मेरा मैक। इस मैक में आपको बहुत ही ज्यादा फ्यूचर है, ये देख सकते हैं आप। ऊपर में कैमरा, जो कि DSLR से आप शूट कर सकते हैं, और नीचे स्मार्टफोन से। और ये रहा मैक, ये आप लगा सकते हैं ने? और ये आपको 20 मीटर का तार मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा है YouTube ब्लॉगिंग करने के लिए। इसमें भी कुछ है, चलिए आप लोग को इनबॉक्सिंग इसका भी करके दिखलाते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये नॉइज कैंसलेशन, इसको इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। अच्छी तरह से ये फिट हो चुका है। ये क्लिप कॉलर पे लगाने के लिए, ये क्लिप बहुत ही ज्यादा ये काम आते हैं, जो कि मैक को अच्छी तरह से एक ही जगह एडजस्ट किए पकड़ने रहने के लिए बहुत ही ज्यादा। इसको इस तरह से फिट कर लेंगे और इसके बाद इसको कॉलर पे लगा लेंगे। चलिए इसमें और भी कुछ है, वो भी आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बैटरी। ये बैटरी सोच रहे होंगे आप लोग, ये क्या इसका ये क्या यूज है। तो चलिए तो फिर आप लोग को दिखलाते हैं इसका बैटरी। इसमें लगेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस, ये दोनों का यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, प्लस किस तरफ है और माइनस किस तरफ है, उसी तरह से लगाना है, नहीं तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। तो ये मैंने अपना मैं बैटरी फिट कर दिया, उसके बाद इसको कवर कर दिया। ये बैटरी स्मार्टफोन में यूज नहीं आएगा, जो कि आप देख सकते हैं स्मार्टफोन में विदाउट बैटरी का ही काम चल जाएगा। अगर आप DSLR कैमरा से अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैमरा पे करने के बाद यही बैटरी काम आएगा, नहीं तो ये बैटरी कोई काम का नहीं है। अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं तभी ये बैटरी इसमें काम आएगा। अगर आप स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन पे क्लिक करने विदाउट बैटरी और वॉइस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। नॉइज कैंसिलेशन भी अच्छा खासा इसका दे रखा है। चलिए तो आपको इसके बारे में भी हम दिखलाने वाले हैं कि इसका नॉइज कैंसिलेशन कैसा है और किस तरह से है, और मेरा साउंड कितना परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये एक चीज और है, जो कि आपको DSLR कैमरा में कनेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको अलग से फिर लेना पड़ेगा। इसमें एक एक चीज बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये रहा आपका, इसमें लग गया और ये DSLR कैमरा में फिट हो जाएगा। उसके बाद आपका वॉइस कैंसिलेशन बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, आप दूर से भी शूट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं दूर है और वहां पे कैमरा मतलब कि शूट नहीं, और बहुत ज्यादा पब्लिक है, भीड़ है, रक्का है, वहां पे 15-20 आदमी है, वहां पे आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको बगल में मोबाइल ले जाके आपको करना पड़ेगा स्मार्टफोन, या फिर कैमरा आपका वॉइस जो बोल रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इस कारण से ये मैक का
तार भी काफी ज्यादा लंबा है, देख सकते हैं आप, और ये काफी दूर तक जा सकता है और आप इसमें वीडियो को अच्छी तरह से इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रहा इसका परफॉर्मेंस। चलिए आपको इसका वॉइस चेक करके बताते हैं कि इसका वॉइस कैसा है, किस तरह से है। अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन से ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि आपको अभी स्मार्टफोन का ही वॉइस ऑडियो सुनाई दे रहा है। तो वीडियो बनाने के लिए वॉइस का तो बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि वॉइस अगर अच्छा रहता है तो वीडियो का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इस कारण से हम चलिए आप लोग को अब दिखलाते हैं इसका वॉइस कैसा है, इस तरह से। चलिए तो फिर लगाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखलाते हैं। सबसे पहले ये तो मैं अपने कॉलर पे लगा लूंगा, ये हो चुका फिट। और ये आप नीचे वाली जेब में या फिर बेल्ट में आप किसी भी चीज में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें क्लिप दिए हुए हैं एडजस्ट करने के लिए। ये अब अपने मोबाइल पिन में लगाएंगे, जो कि हेडफोन में, और आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाएंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। तो चलिए तो फिर अब लगाते हैं। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो बोया का माइक का आवाज है। तो आप बताइएगा कि इसका आवाज़ कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो कि अब मुझे तो अभी तो पता नहीं है कि इसका आवाज़ कैसा है क्या है, क्योंकि मैं खुद नहीं चेक किया हूँ कि इसका आवाज़ कैसा है। लेकिन मेरे अंदाज से इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि मैं इसे दूर भी ले जाऊँगा। देख सकते हैं मैं दूर हो गया हूँ, फिर भी आवाज़ उतना ही होगा, क्योंकि ये मैक है, क्योंकि ये मैक मेरे पास है। क्योंकि मोबाइल से अक्सर होता है, क्योंकि मोबाइल दूर होने के कारण आपका आवाज़ अच्छा नहीं आ पाता है। मेरा भी कितना भी वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था कि आपका आवाज़ वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा है, इस कारण से मुझे बोया का आया माइक लेना पड़ा, क्योंकि ये डिस्टेंसिंग है, ये दूरी पर भी अच्छा कवर करता है, तो इस कारण से मुझे लेना पड़ा। तो आप भी बताइएगा कि मेरा साउंड कैसा है, चेक करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में भी शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि ये मेरा माइक जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, इसका साउंड कैसा लगा। और आप लोग अगर यूज करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ विकास न्यू वीडियो के साथ। अक्सर आदमी तो होते हैं जो कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर इसी तरह से अगर बने रहने चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।